रहीम माय टॉपिक टुडे इज पाइलोनेफ्राइटिस पाइलोनेफ्राइटिस कैन बी बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया जिसको एस्क्राइशा कोलाय कहते हैं ठीक है एस्क्राइशा कोलाय इज बेसिकली इन अवर फीकल मैटर ठीक है तो ये फीकल मैटर से हमारे ब्लैडर और हमारी किडनीज तक कैसे पहुंचा सो इट मे ये जो बैक्टीरिया है दैट मे रीच बाय द ब्लड वाया द ब्लड स्ट्रीम ठीक है या फिर ये आपके उसी फीकल कंटेमिनेशन से अनहाइेनिक कंडीशन की वजह से असेंड करके आपके ब्लाडर तक पहुँचेगा ठीक है ब्लाडर में क्या कराएगा सिस्टाइटिस कॉज करेगा ठीक है सिस्टाइटस कॉज करेगा और फिर वो सिस्टाइटिस बिकॉज ऑफ द विजाइको यूरेट्रल रिफ्लेक्स आपके ऊपर असेंड कर जाएगा टू द मटाला ऑफ योर किडनी ठीक है आपके किडनी के मटाला में चला जाएगा और फिर जब आपका किडनी का मरडाला डैमेज होगा तो मरडाला का जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज़ बेसिकली द काउंटर करंट मेकेानिज़म दैट इज़ द मकैनिज़म फॉर कॉन्सन्ट्रेटिंग यूरिन तो फिर ऐसा पेशेंट जो है वो डाइल्यूट यूरिन बार बार पास करता जाएगा तो फिर सबसे पहले जो मुझे जहन में डीडीज आएंगे वो क्या आएंगे अगर कोई कहेगा कि भाई मुझे बार बार वक्फे वक्फे से डाइल्यूट यूरिन आ रहा है तो वील we'll हैव uh, मेरे जहन में जो सबसे पहला डी डी आएगा दैट मे बी डायबिटीज़ मेलाइटस सो आइल चेक इफ़ देस नो ग्लूकोज ठीक है उसके बाद आ, आ सकता है नेफ्रोजेनिक ब्लाडर ठीक है और क्या आ सकता है लेकिन खैर वो सारी चीज़ें तो हम लोग ईजिली रूल आउट कर देंगे वन विल ड क्या कहते हैं यूरनारी यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन विल डू अन रूटीन एग्जामिनेशन और उसमें जब हमें इन्फेक्शन डायग्नोज कर लेंगे उसमें जब हमें ये वाला पॉजिटिव एजेंट नजर आ जाएगा वी कैन ईजिली डायग्नोज दैट इट्स बिकॉज ऑफ सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस मतलब अगर सिर्फ ब्लैडर तक प्रॉब्लम होता है दैन इट्स प्रटी सिंपल, ठीक है लेकिन प्रॉब्लम हैजेंडेड टू द किडनी तब आपका वो डायल्यूट यूरिन वाला प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि यू विल बी हैविंग डायल्यूट यूरिन अगैन एंड अगैन ठीक हो गया अच्छा अब आ, क्या होता है कि समटाइम्स जब आपका यही प्रॉब्लम जो पायलोनफ्राइटस वाला इफ़ इट्स नॉट ट्रीटेड एट द राइट टाइम ठीक है तो ये आपका इन्फेक्शन आपके ब्लाडर से सॉरी ब्लाडर यानी आपके मडला से आपके कोर्टिक्स में चला जाएगा और वहाँ पर आपकी किडनी ट्यूब्यूल्स को डैमेज करेगा आपके ग्लोमरलाई को डैमेज करेगा एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू अ क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ ठीक है अच्छा अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सिस्टाइटिस कैसे हुआ एक तो मैंने आपको बताया ना कि इन्फेक्शन यहाँ पर आ गया ठीक है इन्फेक्शन आपके ब्लाडर में आ गया ठीक है लेकिन समटाइम्स दिस सिस्टाइटिस कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ अदर रीज़न्स ठीक है अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन दैट कम्स अप फ्रॉम द फीकल एरिया ठीक है उसके अलावा क्या हो सकता है कि वर यू आर नॉट अवॉइडिंग यूरिन एट द राइट टाइम्स ठीक है आप क्यों यूरिन को अवॉइड नहीं कर करें या तो आपको दिल ही नहीं करता आप सही टाइम पे जाके अवॉइड करके नहीं आते हो दूसरी रीजन क्या हो सकती है कि दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन आउटफ्लो ठीक है आपका यूरिन जो है वो प्रॉपरली फ्लश हो ही नहीं पाता फ्रॉम द ब्लाड दैट कैन ऑल्सो लीड टू सिस्टाइटिस ठीक है तो आई थिंक आई हैव कम्पलीटेड माई टॉपिक एंड अगर मैं आपको बता दू अबाउट पाइलोनेफ्राइटिस वॉट इज पाइलोनेफ्राइटिस पायलोनीफ्राइटिस इज बेसिकली डैमेज टू द रीनल डैमेज नहीं बेसिकली इन्फेक्शन ठीक है इन्फेक्शन टू द रीनल इंटरेस्टाइशियम ठीक है जो मेन कॉजेज हैं वो तो मैंने आपको बता दी है ठीक है इसके अलावा पायलोनीफ्राइटिस अपार्ट फ्राम दिस दिस कॉजिटिव एजेंट टू बैक्टीरिया वाला है इसके अलावा इट कैन ऑल्सो भी बिकॉज ऑफ सम पॉइजन और ड्राग्स ठीक हो गया और पायलोनिफ्राइटिस की वजह से वैस्कुलर डैमेज भी हो सकता है ट्यूबुलर डैमेज भी हो सकता है और ग्लोमेरुलर डैमेज भी हो सकता है देखो सबसे पहले तो आपका ट्यूबुलर डैमेज होगा यानी कि इन योर इनयोर टिब्यूनस ठीक है या इन योर मेडुला और फिर वहाँ से वो प्रोग्रेस करता है टू योर कॉर्टेक्स जहाँ पर आपके पास क्या है कि यू हैव हाँ वैस्कुलर एरियाज या ग्लुमेरेस है ठीक है जब वहाँ पर पहुँचेगा तो फिर सीकेडी होगा ठीक हो गया